हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मेरे हाथ में है ये स्पेशल बॉक्स। मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बोया के प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेंक उनको चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड लगा हुआ आता है। इसको कैसे करके, ये खुलता ही नहीं है भाई हर किसी से, तो कसम से मेरे से नहीं खुला था, तो ये थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। और कैसे करके आपको जाके बोया की वेबसाइट पर इनको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखना चाहते हो बोया के जो छोटे माइक आते हैं ना, बोया BY-M1, उसमें भी आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये बड़ा वाला है तो इसको भी मैं बताने वाला हूँ कैसे करके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले आपको फोकस करके चीज़ें समझानी पड़ेगी। वीडियो वैसे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, बट इसमें बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी कोड लगा हुआ, तो ये चीज़ यहाँ से नहीं बताई जा सकती, बिकॉज इस पे से तो मैंने निकाल रखा है। तो मैंने कैसे निकाला था वो वीडियो आप इधर या इधर कहीं देखो, या फिर पूरी स्क्रीन पे देखो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये वीडियो चल रहा है। तो ऐसे करके आपने हल्का हल्का सा अंगुली से लगाना है, फिर इसको आगे जाके हटा देना है। तो ऐसे करके आपका एक सिक्योरिटी कोड निकल आएगा, जो कि इस पे भी लिखा हुआ है। अब इस सिक्योरिटी कोड को कैसे अप्लाई करना है, जब अप्लाई किया था तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी, उस पर वॉइस ओवर पे लूँगा। देखो आप उस वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, गूगल क्रोम पे जाके बोया सिक्योरिटी चेक ऐसे सर्च करोगे, बोया की वेबसाइट आ जाएगी और इस लिंक पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने वो सिक्योरिटी कोड लगाना है देख के, जो कि 16-17 अक्षर का है मे बी। ये देखो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ से देख के ये पूरा आपने सही से एंटर करना है सारा कुछ। बड़े से काफ़ी सारे अक्षर लिखे हुए हैं, मतलब मोबाइल नंबर की तरह, लेकिन ज़्यादा है वो 14-15 या मे बी 18 है, जो भी देख लो आप। ये है, इतना करके आपने इंक्वायर पे क्लिक कर देना। और ये देखो, ये लिखा हुआ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेज ऑफ ऑथेंटिक बोया प्रोडक्ट्स, मतलब ये ओरिजिनल है। तो देख लिया आपने, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इस चीज़ को कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। अगर वो फेंक होता तो वहाँ पे कुछ ना कुछ और लिखा हुआ आ जाता, या फिर वो काफ़ी देर तक सर्च करके कुछ रिजल्ट ही नहीं बताता। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी, क्लियर हो गया होगा, और कभी गच्चा नहीं खाओगे आप, क्योंकि मैंने तो घर आके चेक किया था भाई, मुझे भी मेरे किसी दोस्त ने बताया था। बट आप इसको दुकान पे ही चेक कर लेना, मैं चेक करके तो बताओ यार ओरिजिनल है कि नहीं, उसके बाद ही मैं परचेज करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल वीडियो बनाना मेरा काम है, बाकी लाइक करना आपका काम है, पर कर नहीं रहो। बार बार बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी है। शायद लोग ऐसे हैं कि मतलब नहीं बोलूँगा तो करेंगे ही नहीं भाई, मजाक में ले लेते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहो, खुश रहो, मज़े में रहो।